भले आज मेरी शादी किसी और से होने जा रही है, मेरा नाम किसी और के साथ जुड़ने जा रहा है, लेकिन इस दिल में मेरी चाहत में बस एक ही नाम रहेगा हमेशा, तुम्हारा। अगर तुम ऐसा करोगे करण, तो तीनों के साथ गलत होगा। तुम्हारे साथ, पैम के साथ और हेतल के साथ। अगर तुम हेतल से प्यार करते हो तो चुप क्यों हो? अंदर जाके सबको अपने दिल की बात क्यों नहीं बोल देते? क्यों नहीं कह देते सबसे कि तुम हेतल को कितना चाहते हो? रहने दीजिए भैया, ये इंसान आज तक अपने प्यार का इजहार तो कर नहीं पाया, सबके सामने अपने प्यार के लिए लड़ेगा? नहीं हेतल, ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी गलत फहमी हुई उसमें पैम की क्या गलती है? और अगर आज मैं अपने प्यार का इजहार करता हूं तो उसकी तकलीफ पैम के हिस्से में आएगी, और मुझे कोई हक नहीं है कि एक बेकसूर लड़की की जिंदगी इस तरह बर्बाद करूं। ऐसा क्यों नहीं हुआ करण कि आज पैम की जगह हेतल तुम्हारी? काश ऐसे ही होता, काश। यही तो मैं जानना चाहता था कि करण के दिल में तेरे लिए क्या है। भैया अब तो बेइज्जती करवा ली ना मेरी, अब चले यहां से। ये तू क्या कह रही है इधर? मैं तेरी बेइज्जती कराने के लिए तुझे यहां लाऊंगा? तो क्या समझू भैया, आप बार बार मुझे यहां रुकने के लिए कह रहे हैं, यहां क्यों? क्योंकि तेरी भाभी आने वाली है, इसलिए। भाभी? हाँ, हेतल मुझे मोना ने कहा था हम दोनों को यहाँ रोकने के लिए। इतना सब कुछ हो गया भैया, आपको अभी तक भाभी की पड़ी हुई है? हेतल, वो आके यहाँ सबको कुछ बताना चाहती है, शायद एक ऐसी बात जिससे पैम और करण की शादी टूट जाएगी। कोई राज है उनका जो वो खोलना चाहती है। क्या हुआ? देखता हूँ। अब क्या? राज भैया कौन सा राज? ये सब बकवास है भैया, मैं जानती हूँ। आप उनके बकवास नहीं भैया, मोना भाभी ने पहले भी मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है, मैं नहीं। हेतल प्लीज, मेरे लिए थोड़ी देर रुक जा। नहीं भैया, अब नहीं, मैं जा रही हूं। भानुकल, अरे कहां जा रहे हो साडू भाई? शादी अटेंड किए बिना आज तुम लोग यहां से नहीं जा सकते, बल्कि खाने तक रुकना पड़ेगा। अरे यार, एक लौते साले की तो शादी है हमारे। हाँ चलो अंदर। नहीं थे, चलो ना। चलो चलो। हाय रब्बा, सारे के सारे सेट पे आज ही होने, क्या करूं मैं? यहाँ खड़े होके दूसरी गाड़ी का वेट करने से अच्छा है। हाँ मैं दौड़ के जाती हूँ, टाइम वेस्ट ही नहीं होगा भाई। गौर, मुना से बात हुई? नहीं, उसका फोन आउट ऑफ सर्विस आ रहा है। ताया जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। हेतल रुकने को तैयार ही नहीं है, बहुत मुश्किल से रुकी है थोड़ी देर के लिए। तू फिक्र मत कर पुत्र, जब तक मोना नहीं आ जाती हम कुछ करते हैं। तू हेतल को संभाल, मैं कैसे भी करके जैसे भी हो शादी को जितनी भी देर हो सके रुकवाता हूँ। जी भाई, अनंत कारज के पहले एक बढ़िया सा फैमिली फोटो हो जाए। फोटो? गुरनाम जी,
ये फोटो शोटो तो हम बाद में भी खिंचवा सकते हैं। दारजी पहले अनंत कारज की रस्म तो शुरू करवा देना। देखिए बहन जी, मोना अभी तक नहीं आई है। दूल्हे की बहन के बिना शादी की रस्म शुरू कराना ठीक नहीं रहेगा। पर भाई साहब, मोना के बगैर हम फैमिली फोटो कैसे खींच सकते हैं? हाँ। मम्मी, तूने अपनी कुड़ी को किसी लायक नहीं बनाया। रत्ती भर की जिम्मेदारी नहीं है उसे। अदनान, अरे मोना को आ तो जाने दो, आधी अधूरी फोटो खिंचाने से क्या फायदा? दारजी, मोना के आने तक शादी की रस्म शुरू नहीं हो सकती है। एक काम करते हैं, मोना के आने से पहले हम सब एक फैमिली फोटो ले लेते हैं। मोना आ जाएगी, अनंत कारज हो जाएगा, तो फिर उसके साथ ले लेंगे फोटो। ठीक है ना दारजी? आइए दारजी। आ जाओ भाई, सब लोग आ जाओ। ओ फोटो वाले भैया जी, ओ भाई साहब, हम लोगों की भी ले लो फोटो। हितल पुत्र आओ। आ बेटा, आजा, आजा। एक सजेशन मेरी भी है, थोड़ा सा चेंज करवा सकती हूँ मैं पोजीशन? हैं? ओ पुत्र, दारजी कोल बैठ। अच्छा, तो फिर जी, कारण जी, उसी भी। अच्छा, आप पीछे हो जाइए थोड़ा सा ना। हाँ, बस। हाँ, दो तीन और करवा लीजिए फोटो। हाँ जी, खींचिए, अब ठीक है। एक इन सबके साथ मैं। हाँ, हाँ, क्यों नहीं, फोर सम। आ जा, आ जा। जी थोड़ा सा। अच्छा, आप आ गई। तू यहाँ क्या कर रहा है? कोई सुन लेगा भाजी, थोड़ा थोड़ा धीरे बोलिए प्लीज। धीरे क्यों बोलू भाजी? मेरे खातिर, एतल के खातिर। भारती बहन जी बड़ी नाराज लग रहे। हाँ भरजाई जी, लेकिन ये भारती बहन जी यहाँ क्या कर रही है? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि करण और पैम की शादी में ये यहाँ आ जाएंगे। मुझे तो कुछ अजीब ही चक्कर लग रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग वहाँ क्यों खड़े हैं, अंदर क्यों नहीं आते? देखिए, आप नहीं चाहती ना कि आपकी बेटी का फिर से तमाशा बन जाए। अब तमाशा बनने के लिए रहा ही क्या है? बाजी प्लीज, मेरी 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 बात सुनिए। मत कैसे हुई पेपर को यहाँ लाने की, बिना किसी के से पूछे, बिना किसी को बताए? अम्बा जी, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। नहीं सुनना, पता नहीं क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है तेरी बीवी ने। निधि के प्यार में इतना अंधा हो गया, अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा। ले आया यहाँ, बदनाम भी करा ले, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अम्बा जी प्लीज, बस एक बार मोना पहुंच जाए ना, अब सब समझ जाएंगे कि मैं हेतल को यहाँ क्यों लेकर आया। सिर्फ एक बार मोना का इंतजार कर लीजिए प्लीज। नहीं सुननी तुम्हारी झूठी बातें, मोना पर तो मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है, वो कुछ ठीक कर ही नहीं सकती। मेरी बेटी का तमाशा बना देगी वो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, समझा तू? कोई लेने जाओ उनको, जाओ। सतनाम जी, अनंत कारज के लिए बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, ग्रंथि जी भी तो नाराज हो रहे होंगे ना, चलिए ना। हाँ दारजी, अनंत कारज की रस्म शुरू करवाते हैं। मोना जब आएगी तब आ जाएगी। हाँ। उसके लिए कब तक इंतजार करते रहेंगे हम? और वैसे भी ये एक के बाद एक अनुकल्प, हितल, भारती बहन जी, मुझे लग रहा है ये लोग कोई नया बखेड़ा खड़ा करने वाले हैं। हाय रब्बा। सतनाम, ये मत भूल, गांधी परिवार हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारी मोना उनकी बहू है। दारजी, हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन व्यादे मामले में देर तो नहीं होनी चाहिए ना। चलिए,
ठीक है, आप देरी नहीं करते हैं। ठीक है, आनंद कारज की रस्म शुरू करवा। समनौर और दामाद को भी बुलवा लो। ग्रंथी जी, दारजी ने कहा है कि शादी के रस्मों में और देर नहीं होनी चाहिए। चलिए जी, असी शुरू करिए। चल पुत्र राजा। बाकी और कुछ सुना बाकी? नहीं अब्बा जी, देखिए जी, आनंद कारज शुरू करिए। सबूत मिला? हाँ पुत्र, वो आदमी आया तेरे साथ? नहीं ताया जी, मैं किसी सबूत के साथ नहीं है। वो हरलीन सिंह, बहुत कोशिश की मैंने उसे अपने साथ लाने की, पर वो नहीं माना। पर वो आएगा ना? पता नहीं, शायद। फिर भी मैं ये शादी रुकवा कर ही रहूंगी। नहीं उनकी उनकी बाइक लोग यहाँ पर और मातू फरी की वजह? हाँ, पता घूम गया है मेरा आपके पोते की वजह से। मुझे कुछ मत पूछिए क्या हो रहा है, पूछिए उससे। अम्बा जी, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत गुस्सा है और आपका मुझ पर भरोसा नहीं, लेकिन फिर भी अम्बा जी प्लीज बस थोड़ी देर रुक जाइए मेरे लिए, नहीं अनुकल्प के लिए, अपनी हितल के लिए प्लीज। ये क्या कह रही है तू? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि यहां सब क्या हो रहा है। दारजी, आप ही कहते थे ना कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भर जाता है, तो आज ये डिम्पी मासी और पैम, इन दोनों के कच्चे चिट्ठे खुलने का वक्त आ चुका है। मोना, होश में तो है? क्या बाकी जा रही है? होश तो आप सबके उड़ जाने मम्मी जी, जब आपको इस पैम की असलियत के बारे में पता चलेगा तो। ये पैम पहले से ही शादीशुदा है। पहले से ही शादीशुदा है। हाँ, और कानूनी तौर पे ये करणवीर जी के साथ शादी नहीं कर सकती। और वैसे भी मम्मी जी, इस झूठी के सारे सच जानने के बाद क्या आप करणवीर जी की शादी इससे कराएंगी? झूठी कहेगी? वो तो झूठ क्यों बोल रही है, इतना फटा झूठ, फिर भी इसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए। तो ये तो कभी चाहती ही नहीं थी कि मेरी बहन की शादी इस घर में हो, इसलिए ये सब। ये मैं झूठ बोल रही हूँ? ये तलाश के कागजात देख लीजिए, फिर कहिए झूठ क्या है और क्या है सच। जी, ये कागजात देखिए, इन पे साफ साफ लिखा है, ये पैम के पहले पति के साथ डिवोर्स के पेपर्स। इसकी शादी हरलीन सिंह नाम के लड़के से हुई थी और शादी के कुछ ही दिनों बाद ये वहां से भाग गई और अभी तक नहीं लौटी। ये दो दो रुपए में कोर्ट के बाहर बिकते हैं कागज, तू इन कागजों के दम पर मुझे झूठा साबित कर रही है, मेरी बेटी पर कीचड़ उछाल रही है। सतनाम जी, आप ही बताइए, कोई भी ऐसे नकली कागज चंद रुपयों में बनवा सकता है कि नहीं? मोना, तू क्यों कर रही है?
अच्छी तरह समझ गई। तू बदला ले रही है ना मुझसे, क्योंकि तू हमेशा से हैदर की शादी कर्म से करवाना चाहती थी। लेकिन क्योंकि मेरी बेटी पैम की शादी कर्म से हो रही है, ये तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसे तू ये झूठ कह रही है ना। इससे पहले कि हमारी हैदर पर, हमारे परिवार पर और की चढ़ उछले, हमें निकल जाना चाहिए। चल, चल। मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं? हाँ? देखो, ये कागज देखो, फिर पैम के सिग्नेचर। देख, बोल, ये भी झूठ है। दाजी, देखिए, इस पे साफ साफ लिखा है, समर सिंह और डिम्पी की बेटी पैम की शादी दिलबर सिंह और हरजीत कौर के बेटे हरलीन सिंह के साथ 13 अगस्त 2010 को अमृतसर में हुई और शादी के बाद ये वहां से भाग गई और अब तक वापस नहीं लौटी। जैसी झूठी तू, वैसी झूठी तेरी बातें और वैसी झूठे तेरी ये कागज। ये सारी तेरी चाल है इस शादी को रुकवाने की। तू चाहे जितना मर्जी अपना गला फाड़ ले, कोई तेरे झांसे में नहीं आने वाला मुन्ना, कोई नहीं आने वाला। आप इतनी सच्ची हैं, तो फिर कर्जा देने वालों से छुपती क्यों फिरती है? अब आपको लग रहा होगा कि मोना को ये कैसे पता लग गया। तो वो आपकी पैम के मोबाइल पर मैंने 21 मिस कॉल देखी, तो मैंने फोन उठा लिया। सामने वाले ने मुझे पैम समझ के सब कह दिया और बोल दिया कि 3 लाख रुपए वापस लौटा। अब ये भी झूठ है। दाजी, आपको पता है ये दोनों माँ बेटियां अमृतसर की एक नंबर की ठग हैं। सर से लेके पांव तक कर्जे में डूबी हुई हैं। पता नहीं कितनों से पैसे लेकर आई हैं यहाँ पे। और तो और कितने क्रेडिट कार्ड के बिल भी नहीं पे किए इन्होंने। कोई तो इसे चुप कराओ, ये कुछ भी अनाप शनाप बकी जा रही है और सारे के सारे खड़े होकर सुन रहे हैं। सब चुप इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आपका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है। हाँ, और एक और झूठ, कनाडा। पता है दार जी, ये कभी कनाडा नहीं गई है। दोनों माँ बेटी अमृतसर में थी, जब अमृतसर वालों को इनकी असलियत का पता लग गया तो वहां से भागकर यहाँ पर आ गए। दाजी, मेरे पास ना पासपोर्ट की कॉपी भी अपने फोन में, ये देखिए। पानी का पानी हो जाना है। हाय रब्बा, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? इसीलिए जिंदा थी आप, ताकि आप अपनी करतूतों का अंजाम भुगत सके। डिम्पी मासी, हाय डिम्पी, तू ऐसा सुन क्यों रही है? लाके दिखा दे सारे अनु पासपोर्ट। वो सफाई देते हैं जो झूठे होते हैं। मैं कोई झूठी हूँ मम्मी? हैं? मैं क्यों सफाई दूँ? जिसे मुझ पर भरोसा करने करे और जिसे नहीं करना है वो ना करे। मोना, तू फिर से गलत फहमी पैदा करने की कोशिश कर रही है। पापा जी, मैं पुत्र, तू समझ रही है ना कि तूने कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया है डिम्पी और पैम के ऊपर? कहीं कुछ समझने में तुझसे कुछ भूल तो नहीं हुई है पुत्र? नहीं नहीं दाजी,
मुझे डिम्पी मासी और पैम पे शुरू में ही शक हुआ और अपने शक की सच्चाई का पता लगा मैं अमृतसर गई और वहां हरलीन सिंह से मिली। तो कहां है हरलीन? आया क्यों नहीं सबूत बनकर तेरे साथ? वो है वो कोई हरलीन होगा तो लेकर आएगी ना अपने साथ।